हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में so दोस्तों आज का जो वीडियो है सभी सैमसंग डिवाइसेस के लिए तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों मैं आज मैं आपके सैमसंग की एक ऐसी अल्टीमेट सेटिंग के बारे में बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है और आपने ये वीडियो पूरा देखना है कि एक सेटिंग आपके साथ क्या कर सकती है और वो सेटिंग आपके लिए कितनी ज़्यादा यूजफुल है और कितनी ज़्यादा डेंजरस है मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में बताऊँगा तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना स्किप मत करना वरना आप पछताओगे बाद में कि आपने सेटिंग के बारे में नहीं बताया और दोस्तों ये सेटिंग जो है इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अनजान हैं और वो कौन सी सेटिंग है और आपको कहाँ पे मिलेगी तो उसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो यहाँ पे देखना होगा और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे आने वाली वीडियोस और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और दोस्तों वो कौन सी सेटिंग है वो कैसे करनी है सो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आर के न्यूज़ टैक्स चैनल तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो दोस्तों वो सेटिंग आपको मिलेगी जैसे कि आप कॉलर डायल में जाते हैं यहाँ पे कॉलिंग में जाएंगे यहाँ पे ये यह सेटिंग आपको यहीं पे मिलेंगे आपने थ्री डॉट पे यहाँ पे क्लिक करना है थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे कॉल टू शो डिलीट शो मैसेज कॉल टोटल कॉल टाइम ओपन टू की पैड सेटिंग कॉन्टैक्ट सी ये आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे फिर आपने जाना है यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले ये सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाने का तो आपको बहुत सारे यहाँ पे सेटिंग्स निकल के आ जाएंगी तो यहाँ पे कौन सी सेटिंग है जो आपने करनी है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है और ख़तरनाक भी है वो कौन सी है तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ तो प्लीज़ वीडियो देखते रहिए उसके बाद क्या करना है आपने जाना है यहाँ पे आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल पे आंसरिंग एंड कैंडिंग कॉल पे यहाँ पे आपको ये बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं रीड कॉलर नेम अलाउड प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर ऑटोमेटिक आंसर ऑटोमेटिकली प्रेस पावर की टू एंड दोस्तों इन कुछ ऑप्शन जो आपको यहां पे जानते हैं कि क्या फायदा है लेकिन मैं यहाँ पे बात करूंगा आंसर ऑटोमेटिकली दोस्तों अगर ये आपके फोन में ये ऑप्शन ऑन रहता है अगर आप इसे खुद ऑन करते हैं तो अच्छी बात अगर ये आपके फोन में ऑन है तो आप जान लें इसका काम क्या है आंसर इनकमिंग कॉल ऑटोमेटिकली आफ्टर टू सेकेंड वेन ए हैंडसेट और ब्लूटूथ डिवाइस इज कनेक्टेड है जी दोस्तों अगर आपने हेडफोन मतलब एयरफोन अपने कान पे लगाए हुए हैं और आप सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे हैं वैसे ही आपको कॉल आती है तो कॉल आने के टू सेकेंड बाद जैसे ही कॉल आएगी तो टू सेकेंड बाद अपने आप चु कॉल जो है वो पिक हो जाएगी दोस्तों ये फायदा इसका ये फायदा है कि आपको अगर मान लो आप गाड़ी वगैरह चला रहे हैं बाइक वगैरह मतलब राइड कर रहे हैं तो आपने हेडफोन लगाया तो जैसे ही कॉल आएगी तो ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगी और आपको कोई मतलब कि हाथ लगाने की या फोन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप बाइक चलाते टाइम जो है बात कर पाएंगे और वो खुद ही अपने आप कनेक्ट हो जाएगी कॉल और आप बात कर पाएंगे और फोन वो जो है आप उनको बोलेंगे फोन काट दो वो फोन काट देगा लेकिन अगर आपका फोन ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड है मतलब कि आपने ब्लूटूथ स्पीकर जो है कनेक्टेड किए हुए हैं अपने फ़ोन के साथ तो क्या होता है कई बार आपने सॉन्ग वगैरह सुन रहे हैं तो एकदम से कॉल आती है तो फोन एकदम से की पिक हो जाएगा और कई बार क्या होता है कि हमारी कोई पर्सनल कॉल आती है कोई गर्लफ्रेंड या फिर कोई और पर्सनल कॉल तो वो आवाज़ जो सभी सुन लेंगे और बोलेंगे कि भाई ये कौन था किसकी कॉल आई थी तो आप एकदम से खज्जड़ हो जाएंगे तो आप जो है इस सेटिंग का फ़ायदा भी ले सकते हैं और इसका नुकसान ये है कि आप को कोई प्राइवेट कॉल आती है तो आप तब रगड़े जाओगे आपका जो है आप जो है फंस जाओगे और आप आपकी जान बच जाएगी अगर आप इसे ऑफ रखोगे तो आप इस सेटिंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से आप इस सेटिंग का फायदा भी ले सकते हैं और इसका नुकसान भी है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया तो मैं आशा अच्छा करता हूँ आपको इस सेटिंग के बारे में समझ में आ गया हो अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा तो दोस्तों ये था आज का वीडियो